वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असीं अपने सज्जे खब्बे चुगिरदे विच वेखदे हाँ, अपने परिवार विच वेखदे हाँ, अपने आप नूं वेखदे हाँ, तो लभदा यह है कि असीं दुखी हाँ, और थोड़े दुखी नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी हाँ। तन भी दुखी है, मन भी दुखी है। तन रोगां दे नाल भरिया नज़र आ रहा है और मन सोगां दे नाल भरिया नज़र आ रहा। और ठीक दूसरे पासे साड़ी निता प्रति दी मंग, साड़ी निता प्रति दी अरदास, वह सुख वास्ते है। पर सुख साड़ी चोली दे अंदर है नहीं, सुख लभदा नहीं है। फिर दुख नूं मिटाउण वास्ते जदों बंदे नूं सही सलूशन ना मिले, या इस तरह कह लिए सही राह ते ये ना चल पाए, सही मुकाम ते ना पहुँच पाए, फिर दुख की निरवृत्ति तो चाहिए है, छुटकारा तो चाहिए है। फिर ये दूजे दूजे साधन अपनाने शुरू कर देता है। किसी ने शराब पी ली, किसी ने कोई होर नशा कर लिया, घड़ी पल दो पल सुरूर जहा आया, इवें लगा भी जिमें दुख मुक गया है, पर नहीं। किसी ने कोई कॉमेडी पिक्चर वेख ली, किसी ने कोई संगीत सुन लिया या गा लिया, कोई यारां दी महफल विच बह गया, गप्पां शप्पां मार लईयां, हासा ठट्ठा कर लिया, ये सुख नहीं। और इहनूं धर्म ही सुख नहीं मनदा, असलीयत विच सुख है भी नहीं। ये तो इस तरह ही है जिवें किसी कलेश जां तनाव नूं घड़ी पल वास्ते भुल्लण दा एक जरिया होवे, एक साधन होवे। जिवें तुसीं इहनां सारियां झाकियां विचों बाहर आउंदे हो, शराब दा नशा या कोई होर नशा टुटदा है, वेखदे हो कि दुख ज्यौंदा त्यों ही खलोता है। पिक्चर खत्म हुई, वेख्या दुख ज्यौंदा त्यों ही खलोता है। यारां दी महफल खत्म हुई तो पता लगा भी मैं दुखी सां, यारां दी महफल विच बहण तो पहला मैं दुखी हाँ, हुण महफल खत्म होने तो बाद भी। ये सारे दे सारे साधन दुख नूं घटाउंदे नहीं है, दुख दे नालों संपर्क तोड़दे ने, और क्षण पंगर समय वास्ते दुख जाता नहीं है। ये सारे साधन इस तरह ने जिमें किसी चीज़ के विचों बदबू आ रही हो, कोई घर के अंदर चूहा मर गया, कोई इस तरह की चीज़ हुई, बदबू आ रही है, पर तुसीं की कीता, उन्हें चुकिया नहीं, हले उहदे ते कपड़ा पाया, चार सफेरे रूम फ्रैशर या कोई परफ्यूम का छिड़काव कर दिता ताँ कि बदबू ना आवे। पर ये सारे साधन तो क्षण पंगर बदबू नूं खत्म करन वास्ते ने। वो जी चीज़ विच्चों बैड समैल आ रही है, उन्हें चक के बाहर सुट्टोगे तां घर दे अंदर चंगी समैल बनेगी, खुशबू तां बनेगी घर दे अंदर। खैर, इस लई बंदा अपने आप नूं ना कल्ला नहीं छड़दा, क्योंकि जदों कल्ला छड़दा है तो इहदे अंदर दा रूप, प्रगाढ़ रूप, दुख वाला रूप उगड़ के इहदे सामने आ जांदा है। ये फिर बड़ा डरदा है, इहदा डरावना रूप सामने आ जांदा है, ये छड़दा ही नहीं है कल्ला अपने आप नूं। इहनूं फिर पत्नी का सहारा चाहीदा है, पति का सहारा चाहीदा है, मित्र का सहारा चाहीदा है, सज्जन का सहारा चाहीदा है, अखबार का सहारा चाहीदा है, किसी मैगजीन का सहारा चाहीदा है, टीवी का सहारा चाहीदा है, इंटरनेट का सहारा चाहीदा है, फोन का सहारा चाहीदा है। तो फोन तो इहदा इन्ना तकड़ा अंग बन गया है, रोटी खाण लगा भी खोल के सामने रख लैंदा। एक सैकेंड भर का भी इन्हां तमाम साधना नालों ये दूरी नहीं चाहता, ये चाहता है हर वक्त मेरे नाल ये बने रहन, क्योंकि मैं इकला होव ही ना, इकला होवगा नहीं, अंदरला रूप उगड़ के प्रगाढ़ रूप सामने आएगा नहीं, तो शायद मैं सुखी रह पावगा, पर यह सुख नहीं है। एक अपने आप को इकला नहीं छड़ता। जदों इहदे कोल मन लो कि इन्हां विचों कोई भी साधन ना होया, कोई भी चीज़ ना हो, फिर कि कल्पना की दुनिया में चला जाता है, कल्पना का संसार सिरज लैंदा है, कल्पना विच किसे नाल लड़ी जांदा है, कल्पना दे अंदर किसे नाल हमदर्दी बना लैंदा है, किसे नाल मित्रता बना लैंदा है, कल्पना विचों रस लई जांदा है, ये इकला अपने आप नूं फिर भी नहीं छड़दा। हुण आफ्टर आल जे दुख है तो फिर दुखां दा कोई ना कोई निरविरती दा साधन भी होएगा। तो जे डॉक्टर भी बड़े ने,
हकीम भी बड़े ने, वैद भी बड़े ने, दवाइया भी बड़िया ने, तो दुख फिर भी ज्यों दे त्यों ने, तो फिर कोई ना कोई होर साधन अपनाउन की जरूरत है। तो वह साधन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दसते ने कि सर्ब रोग औखद नाम, तो नाम का मतलब है परमात्मा दे गुण। सारिया रोगों सारे दुखा सारिया सोगों मकाउन वास्ते उसकी एक है परमात्मा दे गुण, गुरु दे गुण। तो गुरु दे गुण बंदा अपनाउन लई तैयार नहीं हुंदा, क्यों? क्योंकि गुणा वल नूं जाना है तो बुराई छड़नी पैनी, औगण छड़ने पैने। प्यारे हो, जो दुखा की निरविरती चाहते हो तो गुरु के गुणा अपने गल दे नाल ला लो, अपने हृदय में वसा लो, ताकि दुखा तो छुटकारा हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा।